वित्त मंत्रालय जल्द ही चालू वित्त वर्ष 2016-17 में भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर 8.65% ब्याज देने के लिए मंजूरी देने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए ब्याज दर के मसले पर कोई मतभेद नहीं है। दत्तात्रेय ने बताया कि श्रम और वित्त मंत्रालय इस मामले में एकमत है। चालू वित्त वर्ष में सदस्यों को 8.65% ब्याज देने के बारे में कोई मत भिन्नता नहीं है। वित्त मंत्रालय में इस पर काम चल रहा है और वह इस मसले को व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं। दत्तात्रेय की अध्यक्षता वाली ईपीएफओ की शीर्ष निर्णायक संस्था केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड ने सदस्यों को 8.65% ब्याज देने का फैसला किया था। पिछले 4 वर्षों में सबसे कम ब्याज दर है। पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में सदस्यों को 8.8% ब्याज दिया गया था। ईपीएफओ के करीब 4 करोड़ सदस्यों को वर्ष 2013-14 में 8.75% और 2012-13 में 8.5% ब्याज दिया गया था। सदस्यों को चालू वित्त वर्ष में 8.65% ब्याज देने के बाद ईपीएफओ के पास 269 करोड़ रुपए सरप्लस बचेगा। श्रम मंत्री का यह आश्वासन सदस्यों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि माना जा रहा था कि वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को ब्याज दर घटाने के लिए कहा था, जिससे ब्याज दरों को पीपीएफ और दूसरी लघु बचत योजनाओं के बराबर रखा जा सके। वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर घटाकर 8.7% कर दी थी, जबकि ईपीएफओ ने उस साल 8.8% ब्याज देने का फैसला किया था। बाद में श्रम संगठनों के विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ द्वारा तय ब्याज दर को मंजूरी दे दी। फिलहाल अभी जो व्यवस्था है उसके अनुसार सीबीटी अपनी ब्याज आय का अनुमान लगाकर ब्याज देने का फैसला करता है। इस पर वित्त मंत्रालय अंतिम मंजूरी देता है। अब देखना होगा कि इसका फायदा कर्मचारियों को कब तक मिलता है। देखते रहिए डीबी लाइव।